नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर आप सभी का स्वागत करता है। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीएससी से किस तरीके से आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है। तो सीएससी से आय प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि यदि आपको सीएससी से आय प्रमाण पत्र बनाना है तो सबसे आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर के साथ साथ आपका आय प्रमाण पत्र का जो फॉर्म रहता है वो फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, समग्र आईडी होना चाहिए। ये सभी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए तो ही आप सीएससी से आय प्रमाण पत्र बना पाएंगे। और आपके डिजिटल सिग्नेचर को साइन करने के लिए आपके सिस्टम में जावा भी अपडेटेड होना चाहिए। यदि जावा नहीं है तो आप डिजिटल साइन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी प्रोसेस। तो हम अपनी प्रोसेस बताएं उसके पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अपने मित्रों को भी हमारे चैनल से जुड़वाइए और बेल नोटिफाइड भी जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम अपनी फाइल को DSD बना के रख लेते हैं। तो हम DSD फाइल बनाने की पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं। तो हम आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जिसको हम DSD फाइल बनाएंगे। जी, हमारा आय प्रमाण पत्र का फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, जब आप आय प्रमाण पत्र का फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ नीचे आपको आधार कार्ड भी ज़रूर लगाना है। और आधार कार्ड में जो एड्रेस रहेगा वही एड्रेस आपके फॉर्म में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए साथ में आय प्रमाण पत्र ज़रूर लगाएं। तो इस JPEG की फाइल को पहले हम DSD बना लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे। DSD बनाने के लिए हमने इमेज कंप्रेस साइन जो रहता है उसको डाउनलोड कर रखा है। DSD फाइल हमारे वो डिजिटल सिग्नेचर हमारे सिस्टम में लगा हुआ है। तो चलिए हम इस फाइल को DSD बनाते हैं। ये हमारा इमेज कंप्रेस साइन मर्ज है, इसको हम डेस्कटॉप पे ले जाते हैं। इसको हम डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेंगे ताकि हम डायरेक्ट यहीं से फाइल खोल सके। इसके बाद हमें इधर पे जाना है। आपको अपनी फाइल को किसी ड्राइव में रखना पड़ेगा, जो आपकी JPEG फाइल है उसको किसी ड्राइव में रखना पड़ेगा। तो हमने अपनी JPEG फाइल को ड्राइव पे रखा हुआ है। तो हम अपनी फाइल यहाँ से सर्च कर लेते हैं। ये हमारी एच ड्राइव में हमने फाइल को रखा, ये JPEG फाइल है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम इसको कंप्रेस कर देंगे फाइल को। इसके बाद ये देखिए इमेज कंप्रेस सक्सेसफुली हो गई। अब हम इसको ओके करेंगे और इसके बाद हम यहाँ साइन डिजिटली में क्लिक करेंगे। फाइल यहाँ आ चुकी, इसको सिलेक्ट करके फिर हम साइन डिजिटली में क्लिक करेंगे। फिर से हम देखते हैं कुछ, फाइल हमारी कंप्रेस हो चुकी है। चलिए हम फिर से फाइल सिलेक्ट करते हैं, इसको हम कंप्रेस करेंगे। ये हमारी फाइल कंप्रेस हो चुकी है। अब हम इस कंप्रेस वाली फाइल को सिलेक्ट करके साइन डिजिटली करेंगे। आपके सिस्टम में डिजिटल साइन लगा होना ज़रूरी है। डिजिटल साइन हमारे सिस्टम में लगा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है। जी देखिए, ये हमारा टोकन आ चुका है, इसको हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमको अपना पासवर्ड डालना है। ये यूजर पिन आ चुका है, यहाँ हम अपने यूजर पिन डाल देंगे हमारी जो टोकन की है, और इसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। ये सक्सेसफुली साइन हो चुकी है और इसके बाद हम ओके पर क्लिक करके इसको बंद कर देंगे। हम देख सकते हैं कि हमारी ये DSD फाइल बन चुकी है। ये आप देख सकते हैं सबसे नीचे DSD फाइल अब हमारी बन चुकी है। अब हम सीधे फॉर्म भरेंगे। तो गूगल पे आपको सर्च करना है CSC MPE डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे ये CSC MPE डिस्ट्रिक्ट सर्च करते ही साथ ये पहला पेज आएगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे।
हम जो प्रोसेस अपना रहे इसी सेम प्रोसेस को आपको मूल निवास बनाते समय भी यूज करना है। उसके लिए सिर्फ आपका जो शपथ पत्र रहेगा वो मूल निवास का शपथ पत्र अलग रहता है, आय का अलग रहता है। ये हमने आय का शपथ पत्र लगाया है। इसके बाद हम कनेक्ट विद डिजिटल सेवा कर देंगे। इसके बाद हम आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा आपके पास समग्र आईडी होना भी अनिवार्य है। समग्र आईडी, आधार कार्ड, डिजिटल साइन टोकन, ये सभी आपके पास होना अनिवार्य है। चलिए हम आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन से अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो ये सीएससी रेफरेंस नंबर आएगा इसको आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। तो चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं, इसको हम कॉपी करके और पेस्ट करके नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। डिजिटल साइन बनाने के लिए आपके सिस्टम में जावा होना अनिवार्य है। जावा के बिना आप डिजिटल साइन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जब ये पेज खुलेगा तो हमें ये पूरा फॉर्म भरना है। ये पूरा फॉर्म हम हिंदी में भरेंगे तो इसको हम हिंदी में भर देते हैं। अगर आपको इसको हिंदी में भरने में दिक्कत जाती है तो आप साइट्स में गूगल इनपुट हिंदी टूल्स ओपन कर लीजिएगा और वहाँ पर आप इंग्लिश में टाइप करके हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे टाइप करके कॉपी पेस्ट करते जाइएगा। तो चलिए हमने इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट किया। इसके बाद हम पूरी डिटेल भर देते हैं जो जो ये मांग रहा है। यहाँ हम अपना वर्क सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम अपना व्यवसाय डाल देंगे। गरीबी रेखा से नीचे हैं तो इसको हाँ कर दीजिए। हाँ कर देंगे तो आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद हम ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद आपको अपनी समग्र आईडी डालना अनिवार्य है। समग्र आईडी भी कंपलसरी कर दी गई है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आप नंबर चलाते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भी डालना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना। ध्यान रखिएगा आपके आधार कार्ड में, फॉर्म में और जो आप यहाँ एड्रेस भरेंगे वो एड्रेस सेम होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं अपना। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप गूगल इनपुट हिंदी टूल्स साइड में खोल के वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम अपना बार्ड वगैरह सब सेलेक्ट कर देंगे, जो भी हमारा बार्ड लगता है। ये पूरा फॉर्म हमारा भर चुका है। अब इसके बाद आपसे बोलता है क्या आप आवेदक को आवेदन की प्रति दी जानी है। तो यदि आपको आवेदन के प्रति देना है तो इसको हाँ करिए, अन्यथा नहीं करिए। और आपका जो नाम आएगा वो समग्र आईडी के अनुसार रहेगा। तो समग्र आईडी, आधार कार्ड और सब में नाम आपका एक सा होना चाहिए। आप देख सकते हैं समग्र मेंबर का नाम अपने आप आ गया है। इसके बाद हम इधर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे ये हमको अगले पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। जी हमको जैसे ही अगले पेज पर रिडायरेक्ट करेगा तो इसके बाद कुछ बेसिक डिटेल हमको और भरना है। तो यहाँ हम अपनी आय डाल देंगे, जितना हमने शपथ पत्र में डाला वो हम यहाँ पे डाल देंगे। पूर्व में हमने कोई आय प्रमाण पत्र लिया तो यहाँ करेंगे, अन्यथा इसको नहीं कर देंगे तो हम नहीं कर देंगे। और इसके बाद हम स्वयं का घोषणा पत्र वाले इस ऑप्शन में टिक करके इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये हमको और अगले
आप देख सकते हैं हम अगले पेज में पहुंच गए। अगर आपको अपने आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो आप इस पर क्लिक करके अभी भी संशोधन कर सकते हैं। और अगर सब कुछ फॉर्म सही है तो सीधे हम यहाँ चूज फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम DHD फाइल अटैच कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि आपकी DHD फाइल में आधार कार्ड ज़रूर लगा हो। तो चलिए हम अपनी DHD फाइल यहाँ पर लगा के अटैच करके और फिर हम ये देखिए जैसे ही हमने DHD फाइल लगाई तो ये अपलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये हमको पेमेंट वाले पेज पे ले जाएगा। यहाँ से हम इसकी पेमेंट कर देंगे। आप ये RS वाला नंबर ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये जो यहाँ पे दिया है। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल के इसकी पेमेंट कर देते हैं। इधर पे आएगा तो इधर आपको सेंड एनीवे पे क्लिक करना है। जी देखिए ये हमारा फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है। हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसकी अब रिसिप्ट निकाल लेंगे। तो हम इसकी रिसिप्ट निकाल लेते हैं यहाँ से। जी हमारी रिसिप्ट आ चुकी है। इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा और इसके बाद हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। ये RS वाला नंबर आपको संभाल के रख लेना है और इसके 5 से 6 दिन के बाद आपका आय प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा। चाहे तो आप CSC MPE डिस्ट्रिक्ट में जाके इस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन ID से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए हम CSC डिस्ट्रिक्ट से सर्च किया है। इसमें अभी आवेदन पूर्णता दिनांक नहीं बता रहा है, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद आवेदन पूर्णता दिनांक भी दिखा देगा। आज रविवार है इस वजह से नहीं दिखा रहा है। तो ये 5 से 6 दिन के बाद आपके पास बन के आ जाएगा। तो इस तरह से आप CSC से आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर जबलपुर से। धन्यवाद।